से तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो गेट एग्जाम में लवी आरती हेलो अनिल जैन हेलो रियर इसे जेड लिख दिया हाउ इज जेड रिलेटेड टू टी तो कल मैंने सबसे शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको ब्लड रिलेशन का तब ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया था है ना तो बना क्या आप लोगों से फिर से लिख रहे हो क्या उसी क्वेश्चन को कल तो लिखे हो गिना जी जब कल बताया था कि पजल इंडिकेटिंग और कोडिंग फॉर्म होता है तो वहां पर तो लिखवाया था ये बनाओ फैमिली ट्री फटाफट से आप यूट्यूब सभी लोग बना करके दिखाओ हाउ इज रिलेटेड टू टी ओके गुड तो चलिए इसका फैमिली ट्री बना करके देखते हैं कहता है एक्स इज द्रदर ऑफ वाई ये हो गया एक्स ये है ब्रदर किसका वाई का देन हू इज द सिस्टर ऑफ जेड यानी हू का मतलब किस से होगा वाई से होगा बोले तो वाई इज दिस्टर सिस्टर ऑफ जेड अब who is married to s तो अगेन हु का मतलब किससे होगा होगा यहां z से तो z की शादी हमने करवा दी s के साथ अब whose mother in law तो whose का मतलब s से अब s की मदर इन लॉ कौन होगी इसका जो भी स्पौस है s के स्पौस की मां s के स्पौस की मां कहला जाएगी s की मदर एन लो यानी कि सास अब अगर हमसे यहां पूछा गया है कि हाउ इजेड रिलेटेड टू टी तो जनाब हमने यही सीखा था कि सर सबसे पहले वाले पर्सन का जेंडर चेक करते हैं और यहां पर एस का जेंडर डिफाइंड नहीं है जेड का जेंडर डिफाइंड नहीं है तो आंसर हो सकता है कि ईदर सन और डॉटर इधर सन और डॉटर क्यों क्योंकि एस का जेंडर डिसाइड नहीं और वहीं अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू एस तो फिर क्या जवाब दोगे हाउ इज वाई रिलेटेड टू एस ब्रदर इन लॉ कि सिस्टर इन लॉ देखिए जो पहला पर्सन है इसका जेंडर देखना है वाई का जेंडर क्लियर है ना एस को अब हमको एस का जेंडर चेक करना और एस का जेंडर नहीं पता सो द करेक्ट आंसर विल बी इधर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इधर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ यानी कि या तो ये इसका जीजा लगेगा और फिर या तो ये इसकी भाभी लगेगी इधर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ तो पूरा का पूरा खेल होता है सबसे फर्स्ट वाले पर्सन के जेंडर का अगर जेंडर पता है तो हम डेफिनेट आंसर दे सकते हैं लेकिन जनाब यदि जेंडर नहीं पता तो फिर डेफिनेट आंसर नहीं दिया जा सकता कोई डाउट यस और नो शाबाश जेंडर बच्चा हमेशा रिलेशनशिप से डिसाइड होगा यहां पर हमको Z के बारे में बताया नहीं गया सीधा कह दिया हु इज मैरिड टू एस अब इसकी शादी तो करा दी लेकिन मेल या फीमेल ईच एंड एवरी टाइम एक्स और वाई के और टी के जेंडर के बारे में बताया गया जेड और एस के जेंडर के बारे में बताया ही नहीं गया है ना तो पैसेज में हमें जितना बताया जाएगा उसके हिसाब से अपन लेकर के चलेंगे अब यही चीज जब नाम के साथ में आती है तो बच्चे और जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कह देता कि इसका नाम आरती है और इसका नाम मुकेश है तो आप तुरंत कह देते कि नहीं ये तो फीमेल ही है जबकि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता तो अगर आरती लिखा भी होगा तो भी भैया वो मेल हो सकता है like लाइक शीतल एकदम सिंपल सबसे पहले वाले पर्सन का जेंडर चेक करना है कि हमारे फैमिली ट्री डायग्राम में जेंडर है या नहीं है अब लास्ट वाले को अपने आप को मान लेना है कि ये मैं हूं और अपने आप से इस तक रिलेशनशिप बनानी जैसे कि यहां पर वाई का जेंडर क्लियर था तो सबसे पहली बात डेफिनेट आंसर आएगा अब दूसरा पॉइंट एस एस को अपने आप को मान लेंगे अब अगर एस मैं हूं तो मेरा पति होगा जेड या मेरी पत्नी होगी जेड तो अब अगर ये मेरा पति है तो मेरे पति की बहन मेरी ननद यानी सिस्टर इन लॉ और अगर ये मेरी पत्नी होगी तो फिर मेरे पत्नी की बहन मेरी साली यानी सिस्टर इन लॉ मदर ऑफ एस तो मेरा स्पाउस हो गया जेड चाहे पति हो या पत्नी हो उसकी बहन मेरी सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी अगर मान लो ये मेल हो तो मेरे पत्नी की बहन मेरी साली यानी सिस्टर इन लॉ और अगर ये फीमेल हो यानी मेरे पति की बहन मेरी देवरानी नहीं ननद देवरानी जिठानी तो अलग होती ये क्या कहलाएगी ननद कहलाएगी तो आंसर विल बी सिस्टर इन लॉ है ना हां लेकिन अगर इसी सवाल को इस प्रकार से घुमा के पूछ लिया जाए कि हाउ इज एस रिलेटेड टू वाई तो आप क्या आंसर होगा हाँ अब जेंडर डिसाइड नहीं है अब हमको एस का जेंडर चेक करना और एस का जेंडर नहीं पता सो so,

Z और S के जेंडर के बारे में बताया ही नहीं गया है ना तो पैसेज में हमें जितना बताया जाएगा उसके हिसाब से अपन लेकर के चलेंगे अब यही चीज जब नाम के साथ में आती है तो बच्चे और जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कह देता कि इसका नाम आरती है और इसका नाम मुकेश है तो आप तुरंत कह देते कि नहीं ये तो फीमेल ही है जबकि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता तो अगर आरती लिखा भी होगा तो भी भैया वो मेल हो सकता है लाइक शीतल एकदम सिंपल सबसे पहले वाले पर्सन का जेंडर चेक करना कि हमारे फैमिली ट्री डायग्राम में जेंडर है या नहीं है अब लास्ट वाले को अपने आप को मान लेना है कि मैं हूं

होगा सर आंसर अमलान ठीक हाँ अमलान समझ गए चलो वेरी गुड अदिति गुड इधर सन और डॉटर इज द करेक्ट आंसर शाबाश हेलो शाह कहां से हो भाई नेपाल से हो क्या लवी वर्मा ठीक है अमलान क्लियर है मेरे से डिस्कस कर ले भाई वो भी पैसे दे के पढ़ रहा है डोंट वरी वाई हाँ एस का ही तो नहीं पता ना कि एस मेल है या फीमेल है वाई का तो कंफर्म हो गया कि वो फीमेल है एस का तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है जस्ट बिकॉज की वाई सिस्टर इन लॉ है इसीलिए एस फीमेल होना चाहिए एस मेल ही होना चाहिए क्यों अगर sister, अगर फीमेल होगा तो काम नहीं बनेगा इसीलिए तो हम फैमिली ट्री बनाते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े तो क्या है जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ ब्राह्मण फैमिली से हिंदुस्तम है ना तो हमारी ब्राह्मण फैमिली में ये होता है कि मेरे मामा मेरे पाओं छूते हैं है ना अब अगर ये मेरी बहन है तो फिर मुझे इसके पाँव छूने चाहिए तो ये तो ये पॉसिबल कैसे हुआ ये तो उल्टा पुलटा हो गया क्योंकि हमारे एक शब्द होता है मानदान तो अगर मेरे मामा मेरे पांव छू रहे हैं मतलब मैं इनका मानदान हूं अब अगर इनकी बेटी के मैं पांव छू रहा हूं तो फिर तो वो कहानी बदल गई ना ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है

तो फिर अपने जो इन लॉज होते हैं वहां पर उसको पहुंचना होता है है ना ये जनरल लेकिन ये हर जगह जगह के हिसाब से इवन स्टेट्स के अकॉर्डिंगली बदलता जाता है जैसे महाराष्ट्र की तरफ की बात करें तो वहां पर मैं कल्चर देखा था कि वहां दामाद भी अपने सास ससुर के पहुंच होते हैं महाराष्ट्रियन फैमिलीज जबकि वो भी तो हिंदू ही है ऐसा तो है नहीं कि नहीं है लेकिन इधर यूपी तरफ वाले कल्चर में ऐसा नहीं चलता एमपी यूपी के दोनों ही कल्चर में ऐसा नहीं चलता ना एमपी में ना यूपी में अगर धोखे से ऐसा हो गया तो भैया पाप के महाभोगी हो जाए रिवा सतना तो और अच्छे से जानते होंगे भाई वहाँ तो और खतरनाक होता है सारी चीजें हमारे उसी से शादी करवा देते जाती है और जैसा देश तो स्टेट में हो उन चीजों का पालन करते चलिए नथिंग एल्स जैसे कि एक बार एक विवादास्पद स्थिति पैदा हुई थी कि कहा किस ग्रंथ में लिखा है कि मंदिर जाने से पहले जूते चप्पल उतार के जाओ किसने बनाया ये नहीं कोई कहीं किसी भी नहीं, में नहीं लिखा ऐसा लोग कहते हैं मेरी जानकारी भी अधूरी है इस बात को लेकर के क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ग्रंथ तो पढ़े नहीं भाई कि सबको आगे पीछे मेरे को पता हो कि कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा हाँ लेकिन कहा जाता है कि इसमें जो रामायण संस्कृत में लिखी गई है उसमें कहा गया है कि जब आप किसी मंदिर के दर्शन करते हैं तो स्वच्छ साफ होकर के और नंगे पाँव इस प्रकार से जाना चाहिए एक्चुअली में नंगे पांव जाने का कॉन्सेप्ट तब पहले नहीं था पहले तो लोग चलते ही नंगे पाव थे फिर बाद में लकड़ी के खड़ाऊ आए है ना तो नंगे पाओं इसलिए क्योंकि जब हम पाओ से चल रहे होते हैं खड़ाऊ पहन करके तो कहीं किसी ने पॉटी की होगी किसी ने सुसु की होगी तो अपन उसको क्रॉस करते हुए चले जाते हैं अब वो गंदगी मंदिर के अंदर ना जाए मंदिर का घर के अंदर भी ना जाए तो हम उन चीजों को रिमूव करके जाते हैं बस ये सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन आ, फिर उसके बाद क्या हो गया कि जो शूज है वो लेदर के चलने लग गए अब लेदर तो भैया सीधे ही लेदर हो गया जानवर की चमड़ी हो गई जैसे अभी मूवी आ रही आदि पुरुष उसमें भी उन लोगों ने रावण को कुछ खतरनाक रावण एक्चुअली में रावण वाज द मिस्टर यूनिवर्स ऑन द अर्थ एट दैट टाइम सबसे बाहुबली और सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल पर्सन था लेकिन ऐसा था नहीं रावण से जुड़े हुए काफी कुछ ग्रंथ तो चलिए आप लोग भी ऐसे ना ही मेरे सुने सुनाए किसी तथ्य पर भरोसा करें या सीरियस ले ना ही किसी और जब भी कुछ जानना हो तो उससे रिलेटेड तथ्य को पढ़ें खोजें सीखें आपको बहुत सही जानकारियां मिलेंगी है ना तो वैसे ही ब्लड रिलेशन जब अपन पढ़ रहे हैं तो ये आप मुझसे सीख सकते हो पूछ सकते हो क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी सर कितने पेजेस लेफ्ट कर दो अभी तक क्लास का आज के लिए बच्चा आज की तो शुरुआत ही यहीं से हुई है सर हमारे यहाँ तो मामा लोग भाग भाग कर मारेंगे ऐसा कर दिया तो <laughs> भाग भाग मारेंगे नहीं बच्चा ऐसा नहीं होता कहीं पर भी तो अगर लवी आपके साथ में ऐसा हो तो मामा को कृष्ण का बारे में याद दिला देना कि देखो कृष्ण के मामा ने उन्हें मारा था तो फिर कृष्ण ने क्या किया था तो इसीलिए कभी भी इवन मेरे फादर कहते हैं कि अपने जो बनेजे भतीजा भतीजे उनको तो कुछ रहे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो तुम्हारी बहन के बेटे हालांकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है मैं सब तीन ब्रदर से हम लोग तो लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको भी अगर तुम कभी मान लेते हो जैसे कॉलेज लाइफ में मेरी एक सीनियर थी उनको मैं सिस्टर मानने लगा तो लगभग दस बारह साल हो गए उनको मानते मानते तो बोलो उनके बच्चे कभी तुम्हारे घर आए वो कुछ तोड़ दें कुछ, दे, कुछ, दे दे। कुछ बहुत, बहुत, बहुत प्रिय और लाडले रहो कोई दिक्कत नहीं है भनेज के ऊपर कभी हाथ मत उठाना तो मैं कहा क्यों पापा फिर पापा ने दिखाया कृष्ण का परिचय देख लो पर ऐसा होता है मैंने कहा ठीक है नहीं करना है ठीक है लवी तो आप भी मामा को बिठा लेना साथ में और श्री कृष्ण का जो कंस मत वाला तो अवेलेबल है ना तो श्री कृष्ण कंस वध यूट्यूब पर

हमने देखो ड्रॉ किया कि एम सन तो क्यू यानी कि एम और क्यू के बीच में एक जनरेशन का गैप होगा है ना तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि क्या रिलेशनशिप है साथ ही साथ एम एज सन क्यू क्यू यानी कि Q का जेंडर तो क्लियर हो गया लेकिन एम का क्लियर नहीं हुआ एंड डॉटर आर तो डॉटर आर यानी कि इसकी बहन क्या लाई जाएगी ये हो गई इसकी बहन आर नाउ ही हैज नो अदर चिल्ड्रन अब देखिए यहां पर कहा गया ही हैज तो ही का मतलब मेल हो गया ही हैज कहा गया तो ही का मतलब एम मेल हो गया

क्यू हो गया मैरिड टू ई और ये हो गया फीमेल इज द मदर ऑफ पी अब इसी के नीचे हम एक जनरेशन का और गैप लेकर किसको ड्रॉ कर लेंगे पी को कर लेंगे और पी का जेंडर क्लियर नहीं है 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 ना देख लो पी का जेंडर नहीं आ रहा भाई ठीक अब यहां पर ऑप्शन बताइएगा पहला ऑप्शन कहता है हमसे पूछा गया हाउ इज पी रिलेटेड टू एम पी के ही बारे में कहा गया है ना वेरी गुड ऑप्शन ए कहता है पी इज सन इन लॉ ऑफ एम तो क्या पी एम का सन इन लॉ है सन इन लॉ यानी कि दामाद तो नहीं दामाद तो नहीं दूसरा पी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम

अच्छा इसी क्वेश्चन में एक आध दो चीजें और भी सिखाते जाता हूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सपोज करते हैं कि अगर हमने यहां पर आर की शादी करवा दी टी के साथ में आर की शादी करवा दी हमने यहां पर टी के साथ में तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए जनाब हाउ इज टी रिलेटेड टू ई टी का ई से क्या संबंध होगा हाउ इज टी रिलेटेड टू ई वेरी गुड ई मान लें आपने आपको कि ई मैं हूं अब ई मैं हूं तो मेरा पति क्यों और मेरे पति क्यू की बहन है आर यानी मेरी सिस्टर इन लॉ अब यानी हिंदी में कहा जाए तो ननद और मेरे ननद का पति मेरा नंदोई <laughs> और हिंदी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ तो इसका आंसर आ गया भाई साहब ब्रदर इन लॉ फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जनाब हाउ इज एम रिलेटेड टू टी एम का टी से क्या संबंध है उ इज एम रिलेटेड टू टी सर एम मेल कैसे डिसाइड हुआ पर्यत कुमार बच्चे क्वेश्चन में दिया गया है एम हैज सन क्यू एंड डॉटर आर उसके बाद आगे लिखा है ही हैज नो अदर चिल्ड्रेन तो जैसे ही कहा गया हीज नो अदर चिल्ड्रेन तो यहां से डिसाइड हो गया ही की वजह से ओके पर्यत दमाद अब देखो यही गलती कर रहे हैं हमको टी को अपने आप को मानना है टी मैं हूं और मेरी पत्नी है आर मेरी पत्नी के पिता यानी कि माई वाइफ फादर इज माई फादर इन लॉ तो बस फादर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर जो मैं सिखाया हूं अगर उसी तरीके से चलोगे तो कभी कोई आंसर गलत नहीं होगा नेवर हमेशा फर्स्ट पर्सन का जेंडर चेक करके सेकंड को अपने आप को मान लेना है और अपने आप को मानते हुए उस पर्सन तक जाके रिलेशनशिप बना लेनी अब देखो यहां पर इफ की कंडीशन भी डाल देते हैं क्वेश्चन कहता है कि इफ एम इज मैरिड टू एन इफ एम इज मैरिड टू एन देन उ इज एन रिलेटेड टू पी इफ एम इज मैरिड टू एन यदि एन से शादी कर रखी है सो so, शबाश आप कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है ना मेरे को लगा इधर ग्रैंड चाइल्ड तो, फिर से ग्रैंड चाइल्ड तो नहीं बोलूंगे क्योंकि यहां अब हम पी को अपने आप को मानेंगे अब अगर पी में हूं तो मेरी मदर है ई और मेरी मदर के हस्बैंड मेरे फादर मेरे फादर के फादर मेरे ग्रैंड फादर और मेरे ग्रैंड फादर की वाइफ मेरी ग्रैंड मदर कहलाएगी करेक्ट आंसर इज ग्रैंड मदर या शाबाश ग्रैंड मदर ऑफ पी बहुत बढ़िया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर इस क्वेश्चन से सफिशियंट बातचीत हमने सीख ली नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और ये क्वेश्चन था आपके गेट 2016 का

s of p तो p की डॉटर हो गई s p की डॉटर हो गई भाई कौन s और कहा गया है कि z इज द ग्रैंडफादर अब देखो z इज ग्रैंडफादर ऑफ डॉटर s ऑफ p z s uh, z p की बेटी s का ग्रैंडफादर अब कैसे बनाए भाई ग्रैंडफादर तो हमको यहां पर अननोन रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी जैसा मैंने आप लोग को सिखाया था कि यहां पर कोई एक पर्सन होगा जिससे p की शादी होगी अच्छा ये वो जैसा दिख रहा होगा डब्बा बना देते हैं ज्यादा बेहतर होगा हाल फिलहाल हमको नहीं पता कि पी ने किस शादी करी लेकिन जिससे भी शादी करेगा उसके फादर होंगे भैया कौन जेड क्योंकि यहां पर इसके ये ग्रैंड फादर और एक ग्रैंड मदर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, है अब हो सकता है कि वो दादा हो या नाना डिपेंड करेगा पी के जेंडर पे अगर पी मेल हुआ तो एक्स और वाई दादा दादी लेकिन अगर पी फीमेल हुआ तो एक्स और वाई नाना नानी ना, ना, ना। तो जेड इज ग्रैंड फादर ऑफ डॉस ऑफ पी फर्दर जेड एंड डब्ल्यू मैरिड एंड पेरेंट्स ऑफ आर जेड एंड डब्ल्यू आर मैरिड पेरेंट्स ऑफ

ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टेन पॉइंट थ्री देखते आंसर हाँ जी कि पी एंड आर आर नॉट मैरिड टू ईच अदर नहीं यही गलत होना चाहिए क्योंकि इधर तो क्यू कैन नॉट बी मैरिड टू आर ये तो सही है कि क्यू आर से शादी नहीं कर सकता हाँ लेकिन अगर यहां पर लिखा है कि पी एंड आर आर नॉट मैरिड टू ईच अदर ये गलत होना चाहिए क्योंकि हमें पी और आर की आपस में शादी करवानी पड़ेगी फैमिली ट्री बनाने के लिए सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सर कैन नॉट बी मीनिंग नहीं हो सकता कैन नॉट बी मीनिंग मतलब इट कुड नॉट बी पॉसिबल सर वर्कबुक कहां से मिलेगी बच्चे ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप मेरे टेलीग्राम पर चले जाओ सिद्धार्थ की रीजनिंग के नाम से सर्च करो वहां पर मिल जाएगी आपको मतलब आज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वो पंखा चल नहीं रहा क्या ठीक है अब इसमें से कुछ और क्वेश्चन करा दूं क्या आ, लेकिन लगभग लगभग सारे रिलेशनशिप तो आप लोगों ने देखे हुए हैं चलिए अगर इसमें यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा जरा हाउ इज एस रिलेटेड टू वाई हाउ इज एस रिलेटेड टू वाई तो क्या आंसर होगा ग्रैंड चाइल्ड हा सीधा अपन जवाब दे सकते हैं ग्रैंड डॉटर हालांकि ग्रैंड चाइल्ड भी सही है बट ग्रैंड डॉटर इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर एक मिनट बच्चे ये इतना मूटा चल रहे पेंट ब्रश है ये हां जी क्या पूछ रहे थे हाउ इज एक्स रिलेटेड टू इन लॉ से कह लाएंगे इन लोग तो इवन ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ भी कहा जा सकता है नहीं तो सिर्फ इन लॉस कहा जाता है दे आर इन लॉस या संधि संधि आपस में ब्रदर इन लॉ ही कहलाते हैं है ना अब ये अगर फीमेल है और रिजल्ट मेल तो एक्स फिर इसकी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी या फिर इन लॉ कहलाएगी बस और पूछा गया कि हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू पी का टी से क्या रिलेशनशिप है हाँ यस yes, क्योंकि पी का जेंडर क्लियर नहीं है सो दैट इधर सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ या तो दामाद है और या तो बहु जो भी हो ठीक <coughs> है कितने क्वेश्चन पर आप हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस क्यू एस से कैसे रिलेटेड है P is brother of S Here, and Q is wife of P Q is wife of P योगे फीमेल P R and T are the children of the siblings P R and T are the children अच्छा पूरा नहीं पढ़ा मैंने R and T are the children of the siblings P and S respectively यानी कि R जो है वो P का बच्चा होगा और जो T है वो S का बच्चा होगा

आंट नहीं हो सकती या अंकल नहीं हो सकता सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर अब यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बताइए कि हाउ इज आर रिलेटेड टू टी रिलेटेड टू टी तो क्या आंसर देंगे शाबाश कजिन एंड एक और पूछ लेते अपन कि हाउ इज क्यू टी को मान लिया टी में हूं तो मेरे मदर एस या मेरे फादर एस मेरे मदर या फादर के ब्रदर इधर मेरे चाचा या फिर मामा मेरे चाचा की वाइफ मेरी चाची और मेरे मामा की वाइफ मेरी मामी सो मोरल ऑफ द स्टोरी शी इज माय आंट या तो पैटर्नल आंट और या तो आंट। चलो बहुत बढ़िया सर जनरेशन गैप केवल फादर मदर के लिए ही होता है वहीं से तो जनरेशन गैप देते हैं जनरेशन गैप होगा बस अंकल और आंट के लिए भी तो होगा लेकिन अंकल और आंट आने से पहले आपके फादर और मदर आएंगे ठीक है देखो जनरेशन गैप को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहां पर हूं मैं है ना मी तो जो भी व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़े होंगे तो मुझसे उम्र में बड़े कौन कौन होते हैं सर बड़े भैया नहीं बड़े भैया उम्र में बड़े नहीं कहलाते वो हम उम्र है मुझसे जनरेशन में बड़े कौन कौन होंगे मेरे फादर बड़े होंगे मेरी मदर मुझसे जनरेशन में बड़ी होंगी मेरे अंकल मुझसे जनरेशन में बड़े होंगे मेरी आंट मुझसे जनरेशन में बड़ी होंगी मेरे फादर इन लॉ बड़े होंगे मेरी मदर इन लॉ बड़ी होंगी होंगे ना तो ये सब कहा गए मुझसे जनरेशन में ऊपर तो मेरे और इनके बीच जनरेशन गैप कहला जाएगी प्लस वन और यदि मैं अपने से उम्र में नीचे की तरफ आता हूं तो मुझसे जनरेशन में कम कौन कौन कहलाएगा कम कहलाएगा मेरा सन मेरी डॉटर और मेरे नफ्यू और मेरी नीस ये सब क्या कहलाएंगे मुझसे जनरेशन में कम कहलाएंगे अब यदि मैं इनके भी ऊपर जाता हूं तो यहां पर कौन होंगे मेरे यहां पर होंगे सर मेरे ग्रैंड फादर और या तो फिर ग्रैंड मदर यानी कि ओवरऑल यहां पर जो भी होगा वो किसके साथ बनेगा ग्रैंड के साथ यहां पर जो भी होगा वो किसके साथ में आएगा ग्रैंड या तो ग्रैंड फादर या फिर मदर तो यहां पर भी प्लस वन ये कितना हो जाएगा प्लस टू यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा भाई प्लस टू हो जाएगा और ठीक वैसे ही अगर मैं यहां से अपने से उम्र में कम ने, नीचे आता हूं तो यहां पर भी क्या जाएगा? सर, आ जाएगा सर ग्रैंड आ जाएगा ठीक है ग्रैंड सन और डॉटर तो माइनस वन और इसके भी ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा यस वेरी गुड ग्रेट ग्रैंड फादर और मदर प्लस वन यानी ओवरऑल वहां पर जनरेशन गैप कितनी हो जाएगी थ्री और इसके भी नीचे में क्या जाएगा ग्रेट बफर हो रहा है अभी ठीक हो जाएगा वरी भैया hmm -hmm. hmm, मेरे और इनके बीच में जनरेशन गैप होगी प्लस टू और मेरे और इनके बीच में जो जनरेशन गैप है वो हो जाएगी प्लस थ्री वहीं मेरे और इनके बीच में जनरेशन गैप होगी माइनस टू और मेरे और इनके बीच में जनरेशन गैप होगी माइनस थ्री लेकिन अभी तो सर और रिश्ते तो बचे हैं कौन कौन से रिश्ते बचे सबसे खतरनाक रिश्ता मेरी वाइफ का तो बचा है तो यहां पर ये यह हो गई भाई मेरी वाइफ और कौन है सर मेरा ब्रदर और कौन है सर मेरी सिस्टर और कौन है मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे कजिन तो इन सब के होने पर जनरेशन गैप कितनी रहेगी जीरो क्योंकि मेरे और इनके बीच में कोई भी जनरेशन गैप नहीं मानी जाएगी ठीक है सो दिस इज योर जनरेशन गैप टेबल आंट ऑफ टी ये तो सही हो सकता है ना सर कैसे सही होगा भाई इंजीनियर मेरे को बताओ एस इज द आंट ऑफ टी कैसे सही हो सकता है एस जब टी एस का बच्चा है तो एस या तो इसका सन हो सकता है और या तो इसकी मदर हो सकती है एस कुड बी दादर ऑफ टी और मदर ऑफ टी एस शुड बी एस शुड बी फादर और मदर ऑफ टी कभी भी उसकी आंट नहीं हो सकता नेवर चूंकि टी एस का बच्चा है चूंकि टी एस का बच्चा है इसीलिए वो या तो उसका फादर हो सकता है और या तो फिर उसकी मदर हो सकता है चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर आपसे कहता है गेट दो हजार उन्नीस का सवाल है इस साल भी आएगा ब्लड रिलेशन कि एम एन एन एम एंड एन हैड फोर चिल्ड्रन ये हो गया एम एम तो नहीं है तो एन ये हो गया एम और इसकी शादी करवा दी हमने एन के साथ एम एंड एन हैड फोर चिल्ड्रन क्यू आर एंड एस ऑफ P एंड आर आर मैरिड ठीक है जी तो यहां पर ले लेते हैं पी क्यू एंड आर सो ओनली पी मैरिड है और आर मैरिड है बाकी के सब अनमैरिड है ओनली पी एंड आर आर मैरिड दे है और इसका बच्चा है वाई And if Y is the legitimate child of W, Y is the legitimate child of W. Legitimate child यानी कि कानूनन रूप से, कानूनन रूप से हम किसके बच्चे? अपने माता पिता के। तो बात वही है, घुमा के बोल दिया गया। If uh, which one of the following statement is necessarily false? तो इनमें से कौन सा statement definitely wrong होना चाहिए? तो देखिए भाई, F is wife of P. नहीं, W is the wife of P. So W is the wife of P. गलत होना चाहिए ना? बस ठीक है, तो option A is the correct answer. भाई w की पी से हम शादी नहीं करवा सकते बिकॉज तो वाई इज द लेगे चाइल्ड ऑफ डब्लू एंड ऑल्सो वाई इज द चाइल्ड से आर और W दोनों कनेक्टेड है जिसकी वजह से मैं डब्लू की शादी उससे नहीं करवा सकता सर ऐसा क्वेश्चन दो मार्क का आएगा या एक का आ, एक ही मार्क का आएगा भाई दो मार्क्स में तो इतना दूसरा सवाल कभी नहीं देंगे और अभी 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था 2022 में एक सवाल पूछा गया है सवाल भी लिख दू क्या लिखी देता हूं चलो क्वेश्चन नंबर फाइव ये अभी आपकी वर्कबुक में नेक्स्ट ईयर में एड होगा पी इज सिस्टर ऑफ क्यू पी इज सिस्टर ऑफ क्यू पी सिस्टर ऑफ क्यू क्यू हस्बैंड ऑफ़ आर क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर आर इज मदर ऑफ एस आर इज मदर ऑफ एस एंड टी इज हजबी टी इज हजबी पूछा गया है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हाउ इज टी रिलेटेड टू एस हाउ इज टी रिलेटेड टू एस ये क्वेश्चन है गेट दो हजार बाईस का और सिविल ब्रांच में पूछा गया है ये क्या आंसर आएगा

सर वर्कबुक में क्वेश्चन नहीं मिल रहा इसीलिए तो बोर्ड पर लिखा है बेटे अगर होता तो क्यों लिखता करा तो दिया बच्चे रितिक, दो हजार दो हजार दो सौ बाईस में अभी हम जिंदा नहीं है दो हजार बाईस तक ही पहुंचे ऋतिक बाबू प्रैक्टिस के क्वेश्चन एक का फैमिली ट्री ओके ये एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर वन कहता है इज ए सिस्टर इन लॉ ऑफ रेखा तो सुनीता इज ए सिस्टर इन लॉ ऑफ रेखा ठीक है तो यहां पर दो केस हो सकते हैं या तो रेखा की अपन को शादी तो करानी ही पड़ेगी किसी ना किसी के साथ और ये क्या हो गया आ, सुनीता ये है केस वन जहां पर रेखा के स्पाउस की सिस्टर होगी सुनीता तो ये सिस्टर हो सकती है एक और केस भी बन सकता है ये हो गई रेखा, अब रेखा के सिबलिंग यानी कि रेखा का फिर डेफिनेटली भाई ही होगा रेखा के भाई की वाइफ हो सकती है सुनीता क्योंकि सिस्टर इन लॉ में बहुत सारी केसेस होते हैं हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये बनेगा कि ये बनेगा या और भी कुछ बन सकता है तो हमने केस बना लिया अब आगे ड्रा करते हैं तपन इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ गिरीश तो ना ही तपन का आता पता ना ही गिरीश का ड्राफ्ट कर लेते हैं कि तपन इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ गिरीश ये कुछ इस प्रकार से तपन इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ गिरीश अनुज इज सन ऑफ पुनीत ना अनुज अवेलेबल ना पुनीत अवेलेबल तो ये हो गया पुनीत का सन है अनुज अनुज इज सन ऑफ पुनीत इफ आरशी इज मदर ऑफ अ सन एंड अ डॉटर यदि आरशी एक बेटे और एक बेटी की मां है है ना इफ आरशी इज अ मदर ऑफ अ सन एंड अ डॉटर तो केस कौन सा हम लेके चल सकते हैं ये वाला ये वाला केस लेकर के चल सकते हैं कि वो

है ना How is Anuj? Brother, husband, father and son. तो अब ये depend करेगा कि इन लोगों को हम आपस में कैसे मिलाए तो कहां कहां मिला सकते हैं कुछ चीजें इस पे जैसे मिसिंग भी लग रही है कि परिवार में कितने जनरेशन है इस टाइप की हां जी तो कहां कहां पर रख सकते हैं अपन देखो यहाँ पर ये दो जनरेशन चल रही है, है ना तो मतलब एक जनरेशन ये और एक जनरेशन ये तो हम यहाँ तपन की शादी आरशी से करवा सकते हैं आखिरकार कैसे जोड़े कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ना और वैसे पूछा किसके लिए गया है अनुज और सुनीता के लिए देन हाउ इज अनुज रिलेटेड टू सुनीता तो अगर हमको पुनीत और अनुज को जोड़ना है तो हम कहां कहां पर पुनीत और अनुज को रख सकते हैं तो एक केस तो इसमें यहां पर दिखाई देता है सर कि पुनीत को यहां पर रख करके आप अनुज को यहां पर रख सकते हैं तो हमारा फिलिंदा ब्लैंक भी भर जाएगा तो अगर इसको देखा जाए तो अनुज विल बी सन ऑफ सुनीता है ना बेस्ट आंसर हो सकता है अब अगर आप पुनीत को यहां रखोगे तो अनुज वो मैच नहीं कर पाएगा फादर तो हो ही नहीं सकता है ना अनुज इसका फादर तो नहीं ही हो सकता ब्रदर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये परिवार फिर इधर चला जाएगा और ये जो है तपन फीमेल और गिरीश तो हम यहां पर इसको ऐसे रख सकते हैं कि ये तपन को हमने यहां पर ले लिया ये मेल हो गया इसकी शादी अर्शी से करा दी फीमेल इनकी बच्ची हो गई रेखा और इनका बच्चा हो गया कौन गिरीश तो इस प्रकार से एक केस बनाया जा सकता है अच्छा अब अगर हम पुनीत और अनुज को यहां पर रखें तो कहां पर कहां पर कौन कौन हो सकता है यहां पर तो खैर केस ही नहीं बन पाएगा क्योंकि जहां भी अनुज को रखोगे तो फिर वो आ, नीचे ही आएगा है ना आंट कहीं ना कहीं बन जाएगी यहां पुनीत और अगर इस जगह पर अनुज को रखोगे तो फिर वो उसकी आंट बन जाएगी ए एन यू जे नहीं मतलब नफ्यू बन जाएगा फिर तो है ना अगर अनुज को हम यहां रखेंगे तो नफ्यू बन जाएगा यहां रखेंगे तो भी नफ्यू बन जाएगा और नफ्यू तो अपने को दिया ही नहीं किया Brother, husband, और son दिया गया सो मोस्ट आंसर की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं एक और इसी में क्वेश्चन इस हिसाब से तो ये यहां पर अनुज का ग्रैंड फादर बन जा रहा है लेकिन इसमें तो है नहीं फादर फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ एंड सन इन लॉ सर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया हाँ बिल्कुल ठीक है तो तपन हाउ इज तपन रिलेटेड टू अनुज अगर इसी का दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फिर से इस वेपन अपन जाएंगे तो तपन और अनुज को कहीं और रखा जा सकता है क्या तपन को हम कहां रख सकते हैं नहीं इसमें कुछ ना कुछ डेटा ना मिसिंग है हाँ जी लवी बिल्कुल ऐसा नहीं पूछेगा इसमें कुछ डेटा जो है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये सवाल है इधर तो क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं इसको डाला ही नहीं हूँ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला हुआ अच्छा इसको अगर अनुज को यहां पर रख दे हूँ तो अनुज यहां पर भी आएगा तो फिर सुनीता का तो आ, क्या कहला जाएगा ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ तो ऑप्शन में है ही नहीं या तो ब्रदर हस्बैंड फादर और सन हो सकता है ब्रदर हस्बैंड फादर और सन हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर तो हो गया सुनीत को हम यहाँ पर रख सकते हैं और इसका बेटा हो जाएगा कौन अनुज तो ये इससे इसका आ, लेकिन सुनीता का इससे क्या बन गया ये तो ब्रदर बन गया हाँ ठीक है चलो ये इसका ब्रदर बन जाता है और फिर यहाँ पर हम इसकी शादी करवा सकते हैं बिल्कुल तो इसकी शादी करवा दो किसके साथ तपन के साथ तपन हो गया मेल और यहां पर हो जाएगा इसकी एक बेटी हो गई ये मान लेते हैं कि ये बेटी ही है रेखा और यहां पर इसका कोई एक आध और बेटा होगा तो इससे अर्शी जो है वो उसकी ये बन जाएगी और ग्रीश आ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन पे हाउ इज तपन तपन रिलेटेड टू अनुज सो विल बी फादर इन लॉ ऑफ अनुज तो यहां पर भी आंसर आ जाएगा अपने पास में और इस वाले में भी आंसर आ जाएगा अपने पास में तो इसको हम नहीं लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो इस वाले को हम ले करके आगे चल सकते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन वन का आंसर भी मिल जाएगा कि ये इसका ब्रदर है और टू का भी आंसर मिल जाएगा कि ये इसका क्या है फादर इन लॉ ठीक है रेखा का भाई रेखा का भाई अननोन रहेगा क्योंकि कहा गया तो अरशीदा मदर ऑफ असन एंड अ डॉटर तो उसके भाई को अपन अन कर सकते हैं तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में ये एक ही पैसेज के दो क्वेश्चन थे तो जब मैं इसमें डाला तो ऊपर नीचे करके अलग अलग डाल दिया है ना ये पैसेज एक ही और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है तो इंडिपेंडेंटली कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा जब भी पूछेगा अगर इस टाइप का बहुत सारे अलग अलग फसाने वाले सवाल होते हैं तो जब भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां से ऐसे दो क्वेश्चन रहते हैं है ना आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू के लिए जो पैसेज है वो सेम टू सेम पैसेज है सेल्फ प्रैक्टिस का ठीक है तो इसीलिए उसका ये आंसर आएगा पहला एक है ब्रदर इन लॉ और दूसरा फादर इन लॉ पहले का भी बी दिया है और दूसरे का भी बी दिया हुआ है तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन डालेगा तो फिर वो एक पैसे से कई सारे सवाल देते हैं ताकि आपकी चीजें गलत हो है ना चलिए इसके बाद इस तरफ का मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले है ना तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स में कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ही इज़ द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर क्या कहा इसने कहा कि ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर माय मदर्स मदर अच्छा इसके लिए कुछ मैं कोई एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है उस चीज को मैं बोर्ड में हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में लिख दूं हिंदी पढ़ लेते हो ठीक है तो जब भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स के सवाल होते हैं तो वहां पर दो नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला के किसने किसकी ओर इशारा किया इंग्लिश में कहां जाएगा कि हु पॉइंटेड टुवर्ड्स हु और दूसरा पॉइंट कहता है के किसका, किससे रिलेशन पूछा गया है किसने किसकी ओर इशारा किया और किसका किससे रिलेशन पूछा गया हु पॉइंटेड टुवर्ड्स हुम एंड रिलेशन इज आस्ड विद ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है हालांकि गेट में आज तक पॉइंटिंग टुवर्ड्स का सवाल नहीं आया है लेकिन अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेना इज गुड Whose relation is asked with whom? English है कि जब छोटी छोटी कई सारी लकड़ियों का इकट्ठा करके उन्हें break करो तो फिर वो नहीं टूटती, लेकिन अगर उस break को उस गट को खोल दो bunch को खोल दो और एक एक लकड़ी को तोड़ दो तो आसानी से टूट जाएगी है ना यहाँ हमने बचपन में पढ़ी थी तो ये जो है ये छोटे छोटे रिलेशनशिप का एक बंच से सीधे खोलेंगे तो तकलीफ देगा तो इसीलिए यहां पर छोटे छोटे रिलेशनशिप को तोड़ दो ही इज द ओनली सन यहां पर ब्रेक कर दिया एक रिलेशनशिप ऑफ माई मदर दूसरा रिलेशनशिप एंड मदर हो गया तीसरा रिलेशनशिप हमने इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया अब छोटे छोटे भागों से सॉल्व करते हैं शुरुआत करेंगे हम यहां माई से माई मदर इज सिंपली माई मदर एंड माई मदरस मदर इज माई यस ये हो गया माई मेटर ग्रैंड मदर उसको काट के अपन इतना लिख सकते हैं अब इस रिलेशनशिप को पकड़िए कि द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर क्या कहलाएंगे माई मैटरनल अंकल मेरी नानी के इकलौते बेटे मेरे मामा अब देखो पूरा कट गया कितना बचा सिर्फ और सिर्फ माई मैटरनल अंकल सॉल्व हो गया अब क्वेश्चन को देख लीजिए पॉइंटिंग टूवर्ड्स अमेन अब वुमन सेड क्या कहेगी ही इज माई मैटरनल अंकल खत्म नाउ हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन यानी कि किसका किससे रिलेशन पूछा गया किसका पूछा गया है वुमेन का किससे मैन से तो वो मैन तो क्या है मैटरनल अंकल तो वुमेन क्या कहला जाएगी नीस कहला जाएगी नीस यानी की भांजी है ना नीस एंड नेफ्यू ने तो यहां पर आंसर आ गया हमारा नीस अब नीस का मतलब दो होते हैं एक कहलाता है भांजी और दूसरा कहलाता है भतीजी भांजी का मतलब हुआ सिस्टर्स डॉटर और भतीजी का मतलब हुआ ब्रदर्स डॉटर Sister's daughter and brother's daughter. ग्रैंडसन ऑफ father फादर इन ठीक है चलिए इसको देखते हैं सो ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ तो कहां से तोड़े पहले यहां पर ने तोड़ दिया फादर इन लॉ पे फिर तोड़ दिया वाइफ पे फिर तोड़ दिया ग्रैंडसन पे और फिर ये माय ओन फादर इन लॉ तो है तो मेरे ससुर सिंपली मेरे ससुर मेरे ससुर का ओनली ग्रहण सन कौन कहला जाएगा माय सन भाई मेरे ससुर का पोता मेरा बेटा है ना अब मेरे बेटे की वाइफ कौन कहला गई मेरी बहू माय डॉटर इन लॉ नाउ माय डॉटर इन लॉस फादर इन लॉ इज माय हस्बैंड इज माय हस्बैंड

नेहा के भाई का बेटा यानी नेहा मेरी बुआ है ना तो बस ऐसे करके सॉल्व करना रहता ठीक है चलो भाई अब इसी में मैंने कुछ कोडेड रिलेशनशिप भी सोचा आपको दिखा देता हूं उसके क्वेश्चन भी मैंने यहां पर शेयर किए हुए वर्कबुक में आपके तो इसमें आपसे कहा गया है कि में से कौन सी इक्वेशन दिखाई आर इज डॉटर ऑफ टी तो आर इज डॉटर ऑफ टी वही दिखाई कि जहां पर आर फीमेल हो अब आर देखो फीमेल कब होगा अगर आर के बाद में हैश लगा हो तो आर फीमेल होगा क्योंकि हैश का मतलब क्या है सिस्टर या फिर आर के बाद अगर एट द रेट हो तो भी आज फीमेल कहला जाएगी अब यदि हम देखें यहां तो आर के बाद में हैश लगा है तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी हमारा यार भाई रंजन अब तो सब मिटा दिया एक बार आप उसको सॉल्व करके देखो फिर मेरे को बताना कि क्या डाउट है ठीक है रंजन आप इसका फैमिली ट्री बनाओ एफ एच जे वाले क्वेश्चन नंबर टेन का आप एक बार फैमिली ट्री बनाओ रंजन और फिर मेरे को बताओ कि क्या डाउट है खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे आपको बाकी के और भी कुछ कुछ चीजें बनेंगी ठीक है तो कैसे कैसे बनेंगी तो चलिए आपको एग्जाम में कोडिंग तीन प्रकार से पूछा जा सकता है जिसमें सबसे पहला है लेटर कोडिंग दूसरा है आपका नंबर कोडिंग एंड द थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग ये तीन प्रकार से आपसे कोडिंग पूछा जा सकता है जहां लेटर कोडिंग में क्या होता है यहां पर लेटर कोडिंग में बेसिकली पर्टिकुलरली किसी एक वर्ड को कोडिंग प्रोसेस से किसी एक दूसरे वर्ड में चेंज या कन्वर्ट कर दिया जाता है ठीक है तो जो ये वाला वर्ड है ये मीनिंगफुल भी हो सकता है मीनिंगफुल और या तो फिर मीनिंगलेस वर्ड हो सकता है लेकिन कन्वर्ट होने वाला ये वर्ड हमेशा अपने आप में एक मीनिंगलेस वर्ड ही रहेगा वहीं अब अगर हम नंबर कोडिंग के लिए बातचीत करते हैं तो नंबर कोडिंग में सबसे पहले तो किसी वर्ड को ही कोडिंग प्रोसेस के द्वारा किसी दूसरे वर्ड में सॉरी uh, किसी दूसरे नंबर में चेंज कर दिया जाता है और या तो फिर किसी पर्टिकुलर को ही किसी दूसरे नंबर में चेंज कर दिया जाता है तो ये दो प्रकार से होते हैं इसमें वही सब्सटीट्यूशन कोडिंग में किसी पर्टिकुलरली वर्ड को ही किसी दूसरे में या फिर नंबर में या फिर सिंबल में चेंज कर दिया जाता है या सब्सटीट्यूट कराया जाता है अब ये भी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों होते हैं एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए कह दिया गया कि हैंड इज कॉल्ड एस माउथ माउथ इज कॉल्ड एस आइस आइस इज कॉल्ड एस नोस नोस इज कॉल्ड एस ईयर ईयर इज कॉल्ड एस पाम पूछा गया कि बताइए हाउ अ पर्सन कैन टेक स्मेल व्यक्ति किस चीज की सहायता से सुनते हैं हाउ पर्सन टेक स्मेल हाउ पर्सन टेक स्मेल किस चीज की सहायता से सुनते हैं आइस की सहायता से ठीक है जी तो देखो यहां पर आंसर क्या होगा नोस व्यक्ति किसकी सहायता से स्मेल करते हैं नोस से नोस को क्या कहा जा रहा है ईयर सो द आंसर इज ईयर ऐसे नहीं यहां से यहां जाएंगे हैंड को माउथ करें माउथ हैंड थोड़ी ना करें हैंड को माउथ कहा जा रहा है और माउथ को आइस कहा जा रहा है तो नोज को ईयर कहा जा रहा है वो पूरा पर लिखा रहता है एग्जाम में कि नोज इज कॉल्ड ईयर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो नोज को ईयर कहा जा रहा है जैसे कि एक और देता हूं कि भाई ब्लू एज ब्लैक ब्लैक स्कॉलैस वाइट व्हाइट एज येलो लो इज कॉर्डलेस ब्लू नहीं येलो इज कॉर्डलेस ग्रीन ग्रीन इज कॉर्डलेस पिंक पूछा गया क्वेश्चन वॉट इज द कलर ऑफ योर टीथ बताइए आपके दातों का रंग क्या है येलो ब्लू है ठीक है जी ब्रश करो व्हाइट हो जाएंगे सो द करेक्ट आंसर इज व्हाइट बट व्हाइट इज कॉर्डलेस येलो सो so, द teeth विल बी कॉल्ड as येलो द आंसर इज येलो भाई ब्लड रिलेशन पूरा निपट गया खत्म अच्छा <laughs> ठीक है फिर अच्छा ठीक है अब वैसे ही नंबर कोडिंग के लिए देखते हैं तो नंबर कोडिंग के लिए कहा गया मान लीजिए कि यही लिख देता हूं यस yes. को कहा जा रहा है Uh, 44 फोर एंड वाई को कहा जा रहा है 48 सो so, ग्रो को क्या लिखेंगे ये एक एग्जांपल है एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं कि नंबर को जब नंबर में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है सो so 47 को लिखा जा रहा है 28 एंड 39 को लिखा जा रहा है 27. तो अब आपको बताना है कि 24 को क्या लिखेंगे है ना ऐसे ही मीनिंगफुल वाले में अगर कह दिया गया कि स्कूल एस सी एच डबल ओ एल को लिखा जा रहा है यू यू ई जे क्यू क्यू एन तो आपको बताना होगा कि सी एल ए डबल एस क्लास को क्या लिखा जाएगा ठीक है स्कूल को क्या लिख रहे हैं जे क्यू क्यू एन तो क्लास को क्या लिखेंगे ये मीनिंगफुल हो गया नॉन मीनिंगफुल में मैंने कहा कि ए आई ओ यू को लिखा जा रहा है वाई सी जी एम एस तो फिर बी डी जे पी वी को क्या लिखा जाएगा ओके, okay. ठीक है गुड यार ये ऐप और यूट्यूब के कमेंट्स को क्या हो गया कोई कमेंट नहीं कर रहा है कि चल नहीं रहा है चल रहा है भाई किसी को कॉफी के लिए बोल देगा क्या ठीक है अब देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करना है तो यहां पर y जो है इसकी प्लेस वैल्यू होती है भैया पच्चीस और इसकी प्लेस वैल्यू होती है उन्नीस इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा चौवालीस फोर्टी फोर डब्ल्यू के लिए होती है ट्वेंटी थ्री और वाई के लिए होती है ट्वेंटी फाइव दोनों को ऐड कर दिया तो फोर्टी एट वही जी के लिए है सेवन डब्ल्यू के लिए है ट्वेंटी थ्री दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा थर्टी तो ये थर्टी इज द करेक्ट आंसर कौन सा नहीं ये एक तरीका है कि द सम ऑफ एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स प्लेस वैल्यू इसलिए हमने ई e को छोड़ दिया एच को छोड़ दिया आर और डब्ल्यू को छोड़ दिया आर और ओ को छोड़ दिया ये बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं आप सबको जोड़ भी सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है ये सिर्फ एक तरीका है मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं

अब इसी को भी भी लिखा जा सकता था, इसको 20 भी लिखा जा जा सकता सकता था, था, इसको तो से इसको क्या लिख देते? Three. कैसे हो गया सर? तो so की place value, 25, 25 में से तीन गए लेटर की प्लेस वैल्यू तेईस तेईस में से तीन गया बीस लेटर की प्लेस वैल्यू सेवन नंबर ऑफ घटा दिया कितना बचा तीन ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं सर हमको कैसे पता चलेगा कब कौन सा लगेगा उसी के लिए तो क्वेश्चन बनाया गया जिसको पता चल गया कैसे चलेगा उसका गेट निकल गया जिसको नहीं पता चलेगा उसका नहीं निकलेगा सिंपल हाँ जी यहां से यहां जाने में जो रिलेशनशिप पूरी होगी फिर यहां से यहां जाने में जो रिलेशनशिप वही सेम टू सेम इसमें लगेगी वहां से निकाल के इसमें लगाना होता है अब जैसे यहां पर आपको ढूंढना होगा सैंतालीस से अट्ठाइस कैसे बना फिर ढूंढना होगा उन्तीस से सत्ताइस कैसे बना इन दोनों में सेम तरीका लगना चाहिए आप अलग अलग नहीं लगा सकते कि यहां कुछ और लगा दिए यहां कुछ और सेम तरीका भी यहां लगेगा अब यहां कैसे हो रहा है 7 4, 27, तो तो अब इसे ही क्या लिखा जा सकता था सर हम इसको लिख सकते थे, हम इसको इसको लिख लिख सकते सकते थे थे तो फिर थर्टी सिक्स जा तो हो, हो जाता कैसे कर दिया समय ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस बहुत सारे तरीके होते हैं है ना इसी को अपन वन प्लस वन टू भी लिख सकते थे टू प्लस वन थ्री लेते सिक्स यानी कि ओवरऑल डिजिट सम नंबर्स को आपस में तब तक जोड़ते जाना जब तक कि वो इकाई की संख्या में ना आ जाए यानी कि बीजांक निकालना हिंदी में बीजांक कहते हैं और इंग्लिश में डिजिट सम है कि नहीं नंबर्स को आपस में तब तक जोड़ते जाओ तब तक कि वो वंस के फॉर्म में ना आ जाए तो ऐसे कर करके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है अब जैसे यहां पर देखिए यहां पर मैंने कैसे किया तो सबसे पहले मैंने इनकी प्लेस लिखी तीन एच हो गया और एल बार ई है तो अगर मैं यहां से सीधे सीधे आ जाता हूं तो प्लस टू से मेरा आंसर आ जाएगा यहां पर भी सी से ई e, स्ट्रेट में प्लस टू एच से जे प्लस टू ओ से क्यू प्लस टू ओ से क्यू प्लस टू

तो इसमें स्ट्रेट में प्लस टू अगर अपन करेंगे तो तीन और दो पांच पांच यानी कि क्या हो गया ई हो गया प्लस टू एल बारह और दो चौदह यानी कि एन प्लस टू ये हो गया सी यानी कि तीन प्लस टू इक्कीस यानी कि यू और ये भी यू यानी कि ये किस अब यहां पर देखो ई की प्लेस वैल्यू है पांच सॉरी ए की प्लेस वैल्यू वन ई के लिए पांच आई नौ ओ पंद्रह और यू इक्कीस अब यहां पर देखो ये है पच्चीस ये है तीन ये है सात ये है तेरह और ये है उन्नीस है ना ये भी स्ट्रेट ही है या फिर इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए आ, यहां पर लिख देता हूं मैं एस यहां लिख देता हूं एम यहां लिख देता हूं जी यहां लिख देता हूं सी और यहां लिख देता हूं जेड और अब अगर आप इसको देखो तो ये है भैया उन्नीस ये है तेरह ये है सात ये है तीन और ये है छब्बीस बाकी सब में -2 की हो भाई तो तो पर लिख दो फिर और ए से करोगे माइनस टू तो ट्वेंटी फाइव मिलेगा ओ से माइनस टू थर्टीन मिलेगा ई से माइनस टू ये मिलेगा और जी से माइनस टू तो हर बार ये क्या हो रहा है माइनस टू माइनस टू माइनस टू इन द सेम वे अब अपन इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे दो चार दस सोलह और बाइस बाईस से करेंगे माइनस टू तो हो जाएगा बीस बीस यानी कि टी होता है बी से, करेंगे, -2 तो हो जाएगा होता है। से -2 करेंगे तो हो जाएगा यानी कि होता है से करेंगे -2 तो हो जाएगा यानी कि बी बचेगा से माइनस टू तो चौदह यानी कि एन बचेगा और जे से माइनस टू करेंगे तो बचेगा आठ यानी कि एच एनी डाउट मुद्दा यह है कि सर इनकी प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए तो इनको मैं आपको याद करा देता हूं आसान तरीके से आप जब भी किसी लेटर की डिजाइन को देखोगे तो आपको उस लेटर की प्लेस वैल्यू याद आ जाएगी ठीक है तो अब मैं आपको सिखाता हूं प्लेस वेल्यूस, प्लेस वैल्यूज वैल्यूज ऑफ अल्फा बेट तो की प्लेस वैल्यूज मैं आपको सिखाता हूं सिखाने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि अगर हम कहें फेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है समझते हो जैसे कि अगर मैं कहूं अमिताभ बच्चन तो तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी उसका फेस आ जाएगा मैं कहूं अक्षय कुमार तो तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी मैं सनी, सनी सनी कहीं और मत जब भी कभी हम एक अल्फाबेट को देखेंगे तो तुरंत उसकी आपको प्लेस वैल्यू ध्यान में आ जाएगी कैसे होगा देखो जब शादी विवाह होती है तो एक पक्ष अपने हाथ में मेहंदी लगाता है और मेहंदी की डिजाइन में व्यक्ति का नाम छुपा लेता है तो जैसे मेहंदी की डिजाइन में व्यक्ति का नाम छुपा होता है वैसे ही इस लेटर की डिजाइन में

डी स्टैंड फॉर द डायरेक्शन अभी हमने पहले ही पढ़ा था चार डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो डी के लिए प्लेस वैल्यू फोर याद रहेगी ई e को ध्यान से देखेगा कि ई e की डिजाइन बनती है कुछ इस प्रकार से e लिखा हुआ है अब अगर मैं इस वाली डंडी को उठा के यहां पर लगा दू तो कुछ इस प्रकार से पांच बन गया मैंने क्या किया मैंने सिर्फ इस वाली लाइन को यहां से उठा करके इस तरफ लगा दिया पांच बन गया तो अब आपको एबीसीडी e, याद रहेगा दो तीन चार पांच कोई दिक्कत अब देखो एफ एफ का क्या करना है तो इसको उल्टा कर दो तो 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 लाइन खींच देना कितना छह बन गया तो अब आपको याद रहेगा कि एफ की डिजाइन से छह बनता है एफ के बाद आता है भाई साहब जी तो जी को कैसे याद रखें जी जैसा है वैसे ही रहने दीजिए लेकिन यहां पर है जी की पूछ इसको खींच करके काट दीजिए कुछ नंबर दिखाई दिया

अगर हम जे को देखें तो ये ऐसे बनता है जे तो जे कहीं ना कहीं आपको एक सीधी सीधी लाइन तो दिखाई रहा है तो जे को बस सीधी टेन होती है। याद हो गया इतने तक एबीसीडी दो तीन चार पांच है तो याद है एफ की डिजाइन से छह याद है जी की पूछ खींच के काटना है सात बन जाएगा एच की दोनों ऊपर नीचे गोली बनाओ आठ बन जाएगा आई की गोली को बड़ा करो आइसक्रीम से नौ बन जाएगा और जे स्ट्रेट जे के लिए टेन हो गया अब के देखिए कैसे बनता है तो के बड़ी ही आसानी के साथ में ऐसे बनता है एक सीधी लाइन ऐसी है एक लाइन इसके अंदर जाएगी और ये दूसरी लाइन इसके अंदर जाएगी हमने कहा कि जो के की सीधी वाली लाइन है उसको सीधा ही रहने दीजिए लेकिन जो दो लाइनें अंदर जा रही हैं उन्हें बाहर निकाल लीजिए और सीधा कर दीजिए कितना बन गया ग्यारह बन गया तो के की डिजाइन से देखते ही डिजाइन से याद आ जाएगा ना कि यहां पर ग्यारह है एल देखिएगा ये एल इस प्रकार से बना रहता है हमने कहा एल को वैसे ही बने रहने दीजिए बस इसके सर पे एक लाइन और खींच करके बगल से एक लाइन और खींच दीजिए

Q के बाद में आर तो ये हो गया जनाब आर तो आर भी जैसा बना है मासूमियत से इसको बने रहने दीजिए और अब देखिए इसके साथ खेल हो गया नीचे की हमने गोली मिला दी और बगल से हमने एक और लाइन खींच दी तो बन गया ना अठारह जैसा आर हो गया एटीन एस देखिए एस तो मतलब पलक झपकते ही यहां पर है एस ये बना दिया अपन ने एस को ऊपर की लाइन ये ऐसे गोली मिलाई और आगे में एक लाइन खींच दी कितना हो गया नाइनटीन हो गया ना टी

तो हिंदी की जैसे लिखा जाता है पांच सेम टू सेम किसकी डिजाइन है वाई की तो पच्चीस का वाई और पच्चीस का ये पांच ये दोनों सेम है तो अब याद रहेगा कि पच्चीस वाई होता है तो बचा हुआ चौबीस एक्स हो जाएगा और एक्स को चौबीस में आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये दो ध्यान रखने के लिए आप ध्यान रखो कि ये दो लाइन है एक्स की ये दो लाइन है और अगर इसका मैं यहां पर पॉइंट कर दू तो छोटी छोटी चार लाइनें हैं तो दो बड़ी लाइन से दो याद रखो छोटी लाइन से चार याद रखो ट्वेंटी फोर होगी तो इनकी डिजाइन से आपको ये सब याद रहेगा वहीं पर रखना कैमरा हां जी तो बताएं और कोई डाउट परेशानी समस्या अब आपको याद रहेंगे इनकी प्लेस वैल्यूज़ ओ भाई इधर क्या देख रहे हो उधर देखो पूछो क्या हुआ हाँ हाँ अच्छा वन से माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा छब्बीस आता है कैसे क्योंकि देखो Z पे A, B, C, D खत्म हो गई अब जैसे ही Z पे खत्म होगी दोबारा A से शुरू हो जाएगी तो A से जैसे ही एक पीछे जाओगे तो क्या आएगा Z आएगा हाँ दो पीछे जाओगे तो क्या आएगा Y तीन पीछे जाओगे तो X चार पीछे जाएंगे तो W पांच पीछे जाएंगे तो V छह पीछे जाएंगे तो U ऐसा कॉन्सेप्ट है ठीक है सो दे ऑल आर कॉल्ड द प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स नाउ सी अब हम बात करते हैं रिवर्स प्लेस वैल्यू की अगर इस ए बी सी डी को ए को वन मान करके जेड को छब्बीस तक गिनते हैं तो ये प्लेस वैल्यू लेकिन अगर जेड को हम एक माने वाई को दो एक्स तीन डब्ल्यू चार वी पांच यू t सात एस आठ आर नौ क्यू दस पी ग्यारह ओ बारह एन तेरह एम चौदह एल पंद्रह के सोलह जे सत्रह आई अठारह एच उन्नीस जी बीस इक्कीस डी तेईस सी चौबीस बी पच्चीस और ए छब्बीस तो यह कहला जाती है क्या इनकी रिवर्स प्लेस वैल्यू इन्हें याद रखने के लिए कुछ अलग नहीं करना बस इन्हें याद रखने के लिए आपकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और मैथ्स भी नहीं आपने के जी वन के जी नहीं कक्षा एक और कक्षा दो अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बन जाएगा कि कभी भी रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको सत्ताईस में से हां जी सत्ताईस में से माइनस कर देना है क्या प्लेस वैल्यू और बस आपका आंसर आ जाए मुद्दा यह कई बार बच्चे पूछते सर सत्ताईस ही क्यों लेना है तो सत्ताईस ही इसलिए लेना है क्योंकि जब भी कभी आप इसकी प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा सत्ताइस आएगा अब ऑब्बियस है अगर प्लेस वैल्यू पता है रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना है तो reverse place value रिवर्स प्लेस वैल्यू को ट्रांसफर कर दो सत्ताइस माइनस का रिवर्स प्लेस वैल्यू आप किसी भी लेटर के साथ जोड़ करके देख लो एक्स चौबीस साल की है ठीक <laughs> है भाई अमलान ओके प्राची थैंक यू प्ले लिस्ट नहीं है क्या नहीं भाई मोहित प्ले तो नहीं है क्योंकि ये ये सेशन सी सेशन सेशन लाइव लाइव ओनली ओनली है है आप में भी देख सकते हो कि सर ठीक से। याद रहेंगे अब चीजें अब देखो कई बार क्या होता है हमें तुरंत तुरंत में रिवर्स प्लेस वैल्यूज में सिर्फ लेटर्स देखने होते हैं ताकि हमको दिमाग में क्लिक कर जाए तो दिमाग में क्लिक करने के लिए रिवर्स प्लेस वैल्यू के कुछ, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कि हमारे पास तो कॉम्बिनेशन है ए जेड का बी और वाई का सी और एक्स का डी और ई e का डी और डब्ल्यू का ई e और ई e और वी का एफ और यू का जी और टी का जी के बाद आता है एच के बाद में है S के बाद आता है आई के साथ में है आर के साथ में है जे के साथ है क्यू जे के बाद के, के के साथ में आता है पी और जे के एल एल के साथ में आता है ओ और O के बाद में आता है एम के साथ आता है एन है ना इनको इस प्रकार से आप याद कर सकते हो जैसे ए और जेड तो एक दूसरे के अपोजिट यानी कि ए टू जेड से आपको याद रहेगा बी वाई तो था एक लड़का यानी कि बॉय B and Y boy C X पीता था Crux या चलाता था Crux दोनों इस कफ सिरप की पीने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि इसने पी ली थी ड्यू डर के आगे जीत है लेकिन उसको मिल गई दवाई क्रक्स और शौकीन था इलेक्ट्रिक व्हीकल का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईवी स्टैंड्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल याद रहेगा ई e के अपोजिट में वी वी के अपोजिट में ई e, है ना और चलाता था कुछ सैतान बालक एफ यू से कुछ और भी बना लेते एफयू से क्या बना सकते हैं फॉर यू फॉर यू है ना जी टी से जी टी रोड हाँ वैसे जी टी ए भी ज्यादा अच्छा है ना जी टी एम होता है वाई सिटी। मैंने भी खेला था बाकी का नहीं पता कौन से और होते वाई सिटी देखा था एच एस से क्या बना सकते हैं वाह क्या बात ये हो गया हॉट और ये हो गया स्टार आईआर से क्या बना दे इंडियन रेलवे इज ए गुड ऑप्शन आई एन डी आई ए एन इंडियन रेलवे जेक्यू से क्या बन जाएगा जोधा अकबर जैक एंड क्वीन कह सकते हैं ना जैक कैप्टन जैक स्पैरो एंड क्यू यू डबल ई एन क्वीन केपीसी क्या बन जाएगा किंग्स इलेवन पंजाब एलओ से क्या बन जाएगा एल ओ वीई ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता ठीक है एम एन मंकी तो ये कुछ ऐसी हालांकि मैं कभी नहीं बताता लेकिन फिर भी ऐसी मजे मजे के लिए बता दिया मेरा फोकस रहता है इस पर कभी भी अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है तो सत्ताईस फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मान लो Q के लिए रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है तो सत्ताईस से कितना घटाएंगे Q का सत्रह है Q का खतरा है सत्रह खतरा घटा दिया अगर मान लो आपको जे के लिए निकालनी है तो 27 में से कितना घटाएंगे दस तो कितना आ जाएगा? सत्रह तो और घटाने की जगह जोड़ने की सोचो कि जैसे दस है दस में कितना जोड़ देगी 27 हो जाए सत्रह जोड़ दे ज्यादा तेजी से आंसर हो जाएगा एल के लिए निकालनी है एल में कितना जोड़ दे एल की प्लेस वैल्यू बारह बारह आठ बीस और वहां सात यानी आठ सात पंद्रह तो ये चीजें हैं यहां तक सब बातचीत क्लियर कोई दिक्कत नहीं है पक्का चलिए आगे सीखे फिर तो अब आगे हमारे पास में जब भी देखो कभी कोई एक कोडिंग होती है ना तो सीएस वाली कोडिंग तो अलग होती है रीजनिंग की कोडिंग अलग होती है तो रीजनिंग की कोडिंग में जब भी कोडिंग की प्रोसेस होती है तो वहां पर दो चीजें होती है एक होता है पैटर्न और दूसरा होता है प्रोसेस तो कभी भी पैटर्न और प्रोसेस मिल करके कोडिंग बनाते हैं। पैटर्न क्या है जैसे वहां पर देखो मैंने स्ट्रेट बनाया हुआ था शुरुआत में तो ऐसे कौन कौन से पैटर्न है जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं तो भाई सबसे पहला है स्ट्रेट पैटर्न जब भी कभी आप एक किसी क्वेश्चन को चेक कर रहे हो तो आपको सबसे पहले स्ट्रेट पैटर्न चेक करना चाहिए जो कि लगेगा कुछ यू ये कहलाता जनाब आपका स्ट्रेट पैटर्न है ना तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी हम कभी कोडिंग को ढूंढ रहे होंगे तो फिर हम सबसे पहले स्ट्रेट पैटर्न को खोजेंगे किसको खोजेगा सर स्ट्रेट पैटर्न को खोजिएगा ठीक है अगर स्ट्रेट नहीं मिलता है तो फिर जो दूसरा खोजने वाला पैटर्न होता है इसे हम कहते हैं स्मॉल क्रॉस अब स्मॉल क्रॉस पैटर्न कैसा होता है कुछ इस प्रकार से होता है ये कहलाता है दोस्त आपका स्मॉल क्रॉस पैटर्न समझ गए ना स्मॉल क्रॉस यानी कि स्ट्रेट की, की जगह अगर सीधे वाले से नहीं मिला तो बगल वाले से मिला के देखो कुछ बन रहा है क्या कुछ बन रहा है यानी कि प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू ऐसा कुछ भी हो पा रहा है क्या या रिवर्स प्लेस वैल्यू पर जा रहा है क्या वो कहलाता है आपका स्मॉल क्रॉस अगर स्मॉल क्रॉस भी नहीं लगता है तो फिर आप ट्राई करो मीडियम क्रॉस ये कैसा होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है ये है जैसे उसी के साथ साथ ठीक यह यहां पर भी है तो ये क्या कहलाते हैं आपके मीडियम क्रॉस मीडियम क्रॉस भी नहीं लगा तो क्या करेंगे सर फिर फुल क्रॉस लगा देना कुछ इस प्रकार से है ना अब इसके बाद कि बाद अपन कह सकते हैं मिडवे क्रॉस मिडवे क्रॉस कैसा होता है सर बता रहा हूं ना कुछ इस प्रकार से कि एक दो तीन चार पांच और एक, दो, तीन चार पांच छ देखो यहां वाला ना इससे रिलेटेड है ये वाला इससे ये वाला इससे ठीक वैसे ही ये वाला इससे ये इसके साथ और ये इसके साथ इस टाइप से कहला जाता है मिडवे क्रॉस हाफ हाफ करके शुरू के तीन आखिरी वाले तीन से और आखिरी के तीन शुरू वाले तीन से रिलेटेड है और ये सब कुछ भी नहीं लगा तो यहां से फिर शुरू होता है बैंक एस एस का लेवल यानी कि मिक्स्ड क्रॉस या आपका आपके गेट परीक्षा में स्ट्रेट से ही आगे नहीं बढ़े हैं लोग तो बाकी तो सब पूछने से रहे लेकिन पढ़ा रहा हूं तो जान लो हालांकि मेरे को भी कई कई बार लगता है कि छोटी सी चीज के लिए बहुत सारा पढ़ा रहे हो लेकिन फिर लगता है कि अगर मैंने इससे पूछे गए क्वेश्चन में को सॉल्व करा दिया तो वो कहीं ना कहीं नाइन्सपी बच्चों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पता होनी चाहिए ना कि हाँ भाई इतना कुछ होता है नहीं तो मैं मेरे को भी लगता है कि बस क्वेश्चन करा दो खेल खत्म करो हो गया थोड़ा बहुत बता दो फिर मैं दिल गवाही नहीं देता नहीं तो जो पार्ट में एक्चुअली में डील कर रहा हूं ना ये पार्ट देखा जाए तो बहुत कम टाइम का होता है बट जो मैं बेसिक्स पढ़ाता हूं टाइम टेकन है बस तो देखो एक स्ट्रेट लगा दिया और बाकी के सारे क्रॉस बना दिए ये क्या कहलाएगा गया दोस्त मिक्स्ड यहां पर फुल क्रॉस और बाकी सब में स्ट्रेट अब ऐसे क्या कर सकते थे इन लोग को स्ट्रेट कर दो और बाकी के मतलब ये दोनों को क्रॉस में कर दो इसका इसके साथ इसका इसके साथ और बाकी के सारे स्ट्रेट तो इस प्रकार के यहां पर बहुत सारे बन सकते हैं जब भी कभी मिक्स्ड क्रॉस खेला जाएगा तो मिक्स्ड क्रॉस खेलने में बहुत कुछ होता है पहले क्रॉस लगाया फिर स्ट्रेट लगाया फिर क्रॉस लगा दिया तो मिक्स्ड क्रॉस में इस प्रकार से काफी सारे पैटर्न जो है वो बनाए जा सकते हैं फिर फटाफट से इसके मैं आपको प्रोसेस ऑफ लेटर कोडिंग भी लिखवा देता हूं यहां पर मैंने आपसे सब क्या डिस्कस किए हैं पैटर्न डिस्कस किए हैं अब यहां पर मैं आपको प्रोसेस भी लिखवा देता हूं प्रोसेस ऑफ लेटर कोडिंग जिसमें सबसे पहला होता है एक होमोजीनियस सीरीज तो होमोजीनियस सीरीज में क्या होता है कि एक सेम नंबर होता है एक सेम ऑपरेशन के साथ सेम नंबर विथ सेम ऑपरेशन तो जो नंबर है वो वन टू नाइन कोई भी नंबर हो सकता है और जो ऑपरेशन है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड कोई भी हो सकता है जैसे कि हमने शुरुआत में लिया था हमने एक सेम नंबर लिया टू 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 और एक सेम ऑपरेशन लिया प्लस 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 शुरू वाले, वाले और फिर दोबारा भी मैंने वैसे ही बनाया ये कहलाती है फिर ऐसे क्वेश्चन होमोजीनियस सीरीज इसके बाद होता है होमोजीनियस मिक्स्ड सीरीज होमोजीनियस मिक्स्ड सीरीज तो इसमें क्या होता है कि सेम नंबर ही है प्लस डिफरेंट ऑपरेशन मल्टीपल सेम नंबर प्लस मल्टी ऑपरेशन तो सेम नंबर यानी कि वन टू नाइन और मल्टीपल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार से अलग अलग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है यानी कि एक बार प्लस टू फिर माइनस टू फिर प्लस टू फिर माइनस टू ऐसा कुछ देन थर्ड कहलाता है आपके पास में मिक्स्ड सीरीज मिक्सड इसमें क्या होता है कि मल्टीपल नंबर का इस्तेमाल होता है के साथ में मल्टीपल ऑपरेशन का भी इस्तेमाल होता है तो मल्टीपल नंबर नंबर जो होंगे वो कहां से कहां होंगे वन टू नाइन और जो ऑपरेशन होंगे वो यही प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस डिवाइड माइनस ऐसा करके कुछ कुछ चीजें अप्लाई हो सकती हैं जैसे कि सीधा कि अपन ने प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर या प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स किसी एक लेटर से दूसरे लेटर में आने के लिए जैसा अपन ने वहां किया था इन सबके एग्जाम्पल्स भी है लेकिन वो कल की क्लास में कराऊंगा है ना टाइम का पता कम लगता है वैसे है ना तो ऐसा बस मेरी क्लास में होता है कि सब में ही तुम लोग मेरी क्लास में ऐसा रहता है चीजें करते करते समय कब निकल जाता नहीं पता चलता है ना हालांकि कल मैं भी देखा आप लोग जैसे आ, मैं चार बजे के बाद बोला कि थोड़ा दस पंद्रह मिनट और ले लू तो आप सबके फेस पर एक ही एक एक एक्सप्रेशन हाँ ठीक है सर चलेगा नहीं जनरली ऐसा रहता नहीं है बच्चे मुंह बना रहे सर आप छोड़ो ना अब जा रहे दो ना ऐसा भी रहता है तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हो <coughs> तो ये हो गए मिक्स सीरीज अगर अगर इतनी चीजें हमको नहीं दिखाई दे रही हैं तो फिर दूसरी चीजें भी आ जाती हैं जैसे कि जैसे ही अगर ये ना दिख रहा हो तो फिर तुरंत चौथा पॉइंट लगा दो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू रिवर्स प्लेस वैल्यू कल ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्योंकि एग्जाम्पल के साथ दिखेगा तो वो और अच्छे से दिखाई देता है यानी कि अगर अपन कुछ नहीं बना पा रहे कि सर कुछ लगी नहीं रहा पैटर्न लगता ही नहीं दिख रहा तो तुरंत रिवर्स प्लेस वैल्यू की तरफ सोचिए है ना पांचवा On the basis of addition, subtraction, or multiplication of digits. ऑफ प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू यानी कि जैसे मान लो पी लिखा हुआ है तो पी हो गया सिक्स सेवन या वन माइनस सिक्स फाइव तो पी को ई या फिर पी को एफ लिखा जा सकता है नहीं जी वन प्लस सिक्स सेवन जी लिखा जा सकता है तो वही मैं बोला जोड़ दिया हमने है ना जैसे पोल लिखा हुआ है पी ओ एल ई पोल तो पोल में पी को वन प्लस सिक्स सेवन जी ओ को फाइव प्लस वन ई एल को टू प्लस वन थ्री और ई e तो वैसे ही रहेगा लिखा जा सकता है कल इन सबके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आज सिर्फ नोट्स सिक्स वन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू और हो जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इवन और ऑड प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू हालांकि ये सब प्लेस वैल्यू पर ही बनते यानी कि जो इवन प्लेस वैल्यूज आई उन सब में प्लस टू कर दिया और जो ऑड नंबर है सब माइनस टू कर दिया तो खाली इवन और ऑट पर भी फर्क पड़ता है ठीक वैसे ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वोवेल और कॉन्सोनेट और कॉन्सोनेट यानी कि अगर वोवेल है तो प्लस थ्री कर दिया कॉन्सेंट है तो माइनस टू कर दिया ऐसे एग्जाम्पल्स भी बन जाते हैं तो आपको नजर उस हिसाब से भी दौड़ानी पड़ती है कि कहीं सिर्फ वॉबल कॉन्सनेट वाला तो नहीं लग रहा एंड द लास्ट वन इज अल्फाबेटिकली Increasing और or decreasing order कि किसी शब्द में अल्फाबेटिकली जो आए हैं उनको सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कल इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा बहुत अच्छे समझ में आएगा एक चीज में और क्या लिखने वाला था यहां पे दिमाग में तब तो आ रहा था अभी भूल गया ठीक है तो ये सब के सब है प्रोसेस ऑफ लेटर कोडिंग है ना फिर कल इन सबके मैं आप लोग का एग्जाम्पल दिखाऊंगा देन प्रोसेस ऑफ नंबर कोडिंग के बारे में भी बताऊंगा ये लेटर कोडिंग की प्रोसेस थी आज अपन ने इतनी सीख ली और आज के लिए मेरे को लगता है सफिशियंट है है ना <laughs> क्योंकि ब्लड रिलेशन में वैसे दिमाग घूम चुका होता है और फिर यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में ये सारी चीजें पढ़ते 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 क्योंकि ये माइंडफुल वाले गेम्स होते हैं एक चीज और लिखवाने के मन में आ रहा था पता नहीं क्या आ रहा था तो चलिए आपसे इजाजत ली जाती है फिर इसके बाद की कहानी अपन लोग पढ़ेंगे फिर कल है ना भाई कैमरा इधर कर देना बाय बोल दे सारे बच्चों को तो चलिए दोस्तों फिर कल मुलाकात करते हैं सेम सेम टाइम पर सेम समय पर समय एंड ऑफलाइन क्लासेस वेल कि आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और कमेंट करके तो खैर आप बता नहीं सकते लेकिन आप अपने चैट बॉक्स में ही मुझे बता दीजिएगा कि आप चीजों को कैसे एंजॉय कर रहे हो आपको चीजें नई सीखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही बट मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू द गेट सिलेबस आप बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहे हो आज हमारी चौथी क्लास थी है ना और लगभग हमने डाइस पढ़ लिया है क्लॉक पढ़ लिया है काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ लिया है डायरेक्शन नहीं डारेक्षन नहीं सॉरी डायरेक्शन पढ़ा था डायरेक्शन तो चार टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और ये हमारा पांचवा टॉपिक ऑनगोइंग है यानी कि कोडिंग डिकोडिंग और कल मोस्ट प्रोबेबली हम कोडिंग डिकोडिंग को भी एंड कर लेंगे लेकिन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग नहीं कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ साथ ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन जैसा आपकी गेट एग्जाम में पूछा गया है. ये सारी चीजें हम, हम कल की क्लास में एंड कर लेंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल लव यू ऑल फॉर यू लवली हार्ट अब अ ग्रेट डे हेड बाय बने रहिएगा मेरे साथ कल फिर होगी मुलाकात जय हिंद